नमस्कार दोस्तों आज जुड़े हम बात करने वाले हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन हिमाचल प्रदेश की एडमिशन के बारे में जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एमएससी, एमबीए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए है जो कि हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री बी टेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन होती है यहाँ से तो उसके बारे में बात करेंगे सेल्फ फाइनेंसिंग नॉल सेल्फ़ फाइनेंसिंग सीट्स के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इन्होंने देखिए एक नई नोटिफिकेशन अट्ठारह अगस्त को जारी करी थी तो यहाँ पर अभी इन्होंने बोला कि आप आइए ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए इनकी वेबसाइट पर और लास्ट डेट फॉर्म भरने की बीस सेप्टेम्बर इन्होंने रखी है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की और एम और एम बी प्रोग्राम की पच्चीस सेप्टेम्बर लास्ट डेट फॉर्म भरने की है देर इज़ अ नो प्रोविज़न फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद लेट फीस तो देखिए 20 तारीख और 25 तारीख के बाद आप फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर सकते सितंबर की उससे पहले ही आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे तो एडमिशन कैसे होगी आई के थ्रू होगी कैसे होगी वो आपको कंप्लीट हम यहाँ पे बताएंगे तो ये देखिए फिलहाल एडमिशन नोटिस है तो 21 अगस्त से पोर्टल ओपन हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो कल से आप फॉर्म भर सकते हो सॉरी परसों से कल परसों से तो यहाँ पे आज बीस तारीख़ है तो कल 21 है तो आप भर सकते हो तो यहाँ पे लास्ट डेट भी बताइए आगे हम बताएंगे कौन इसी वेबसाइट पे आपने जाना है वाई एस परमार यूनिवर्सिटी की तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में देखिए तो अंडर ग्रेजुएट में, तो में टोटल सीट्स कितनी है तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस में ही नॉर्मल सीट है फोर्टी टू फोर्टी एंड फॉरस्ट्री की और वहीं पर नौणी में अगर बा नौनी में है और अगर नेरी की बात करें तो तीस तीस सीट्स है और पच्चीस सीट बीठ बायोटेक्नोलॉजी के और थुना कैंपस में पच्चीस पच्चीस सीट्स है तो ये नॉर्मल सीट है ये आई के थ्रू भरी जाएगी आपको आई के एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकती है और जो कोई सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है इसमें आपको आई का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है आपको डायरेक्ट परसेंटेज बेस्ड पर एडमिशन मिल जाएगी इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी तो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स का भी यहाँ पे दिया हुआ अगर आपको कैटेगरी वाइज सीट जानी है तो उसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो कि कैटेगरी है यूनिवर्सिटी चूज़ कर देना यूनिवर्सिटी एडमिशन तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी कैटेगरी वाइज सीट्स का यहाँ पे कितना कितना है तो बाकी एडिशनल सीट्स भी आई है वार्ड ऑफ सर्विसमैन कश्मीरी माइग्रेंट के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह के लिए कॉलेज वाइज सीट्स का यहाँ पर इन्होंने बेवरा दिया हुआ है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कौन कौन से स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए प्लस टू पास आप होने चाहिए इंग्लिश फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स बायो और मैथ में से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे याद रखिए चार सब्जेक्ट की आपको मेरिट के मार्क्स भी लगेंगे इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ये कंपलसरी है आपके लिए या तो बायो होना चाहिए या तो मैथेमेटिक्स होना चाहिए बायो और मैथेमेटिक्स में से एक होना चाहिए और इंग्लिश फ़िजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है ही है और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए पचास प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए और एस सी एस टी के लिए फोर्टी फाइव परसेंट बाकी आई सी आर ए का एग्ज़ाम है वो तो नॉर्मल सीट्स के लिए है। बाकी जिन्होंने सेल्फ फाइनेंसिंग सीट में लेनी हो तो उनके लिए उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर कोई फॉरेन कंट्री का स्टूडेंट है तो उसके साठ परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो एमएससी एमबीए प्रोग्राम के लिए यहाँ पे देखिए कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर उन्नीस सोलन में सीट्स यहाँ पर दी हुई है एम वालों के लिए तो यहाँ पर देखिए एंटोनॉमल कितनी कितनी सीट्स है सेल्फ फाइनेंसिंग और आई कोटा है अगर किसी ने आई का एग्ज़ाम देना है तो उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होने वाली है तो इसमें आई आई के लिए थ्रू यहाँ पर देखिए अलग से सीट्स भी है तो कुछ तो मतलब हिमाचल बॉनिफाइड के लिए ही है कुछ आई सी आर ए की ऑल इंडिया वालों के लिए भी मिलेगी तो जो कि ऊपर भी मिलेगी जो कि फोर्टी टू सीट्स में वहाँ पर भी आठ सीट जो कि अलग से भरी जाएगी आई सी आर आई के ही थ्रू तो एम बी एग्री बिजनेस में यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है सेल्फ फाइनेंस में कोई भी सीट नहीं है सिर्फ यहाँ पर स्टेट कोटा यहाँ पर सर आई सी आर आई कोटा सीट्स का है बाकी यहाँ पर देखिए कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री नॉनी सोलन तो इसमें भी यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पे देखिए आप सीट्स देखिए टोटल छब्बीस सीट्स यहाँ पे दी गई है तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ़ फॉरेस्ट्री हमीरपुर नेरी तो इसमें भी दी गई, गई हुई है एम की और सॉरी एम की सीट्स और एम की तो यहाँ पे देखिए ओवर एब इनटे कैपेसिटी तो यहाँ पर अलग से दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी और एमबीए के लिए क्या चाहिए तो देखिए साठ प्रतिशत में तो आपकी डिग्री होनी चाहिए टेन के स्केल के अंडर बाकी फर्स्ट प्रेफरेंस उसको ही दिया जाएगा जो आई सी आर ए की यूनिवर्सिटी से पास होगा सेकेंड प्रेफरेंस दिया जाएगा अदर को जो कि एम बी ए में दिया जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस माई मोलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी स्टेटिक्स तो यहाँ पे जिन्होंने भी एग्रीकल्चर करा है या तो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री किया तो उनके लिए आई सी आर ई का अप्रूवल कंपल्सरी यहाँ पे है तो एम बी ए जनरल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एच पी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि नॉर्मल सीट्स में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए तो यहाँ पे देखिए सीट्स यहाँ पे है नॉर्मल सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पंद्रह सीट्स, सीट्स है और पंद्रह ही सेल्फ फाइनेंसिंग की यहाँ पर सीट है सेल्फ फाइनेंसिंग में रिजर्वेशन नहीं मिलता कैटेगरी वाइज याद रखिए आप तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एम एडमिशन तो यहाँ पर बोले ग्रेजुएट में आपकी फ़िफ्टी में होनी चाहिए और फाइव परसेंट रिलैक्सीन दी जाएगी यहाँ पर एस सी स्टूडेंट को और एच पी यू मैट एग्जामिनेशन की अस्सी परसेंट आपको बेटेज मिलेगी ग्रुप डिस्कशन की दस मिलेगी पर्सनल इंटरव्यू की आपको दस मिलेगी हंड्रेड यहाँ पे मार्क्स है इन्होंने बेटेज बता दी है बाकी पी एच डी प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे सीट्स यहाँ पे दिखाई गई देखिए जो कि नॉर्मल सीट्स है चौदह है और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट सात है सत्रह है तो यहाँ पे आई सी आर ए कोटा सीट्स यहाँ पे जो कि दिया गया सात दिया गया है तो यहाँ पे देखिए पी एच डी फॉरेस्ट्री ऑफ यहाँ पे जो कि सोलन में ही होती है तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सीट्स ग्यारह है और सेल्फ फाइनेंसिंग सत्रह है और आई सी कोटा आठ है तो यहाँ पे देखिए ओवर एंड एवंटेज कैपेसिटी अंडर द स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी यहाँ पे सीट्स दिया मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बोला गया है तो आपकी सिक्सटी फाइव परसेंट में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कि एम की डिग्री आपकी होनी चाहिए और जनरल फॉर आल डिग्री के लिए यहाँ पर जनरल यहाँ पर बोला गया कंडीशन जो कि यहाँ पर दी गई है तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर एडमिशन क्राइटेरिया फॉर ग्रेजुएट एंड मास्टर प्रोग्राम एंड डॉक्टरेटल प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पे ये मेन चीज है तो यहाँ पे देखिए एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट इन केस ऑफ एग्जाम मेंशन अंडर शेल बी मेड बेसिस ऑफ स्कोर कार्ड ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई सी आर, आई सी आर। ए आई डब्ल्यू एग्ज़ाम जो कि यहाँ पे बात करी गई है पी एच टू साइज आज एल एल ई डी इंटीमेटेड चूंकि इन्होंने बोला है तेरह पाँच दो हज़ार इक्कीस को यूनिवर्सिटी वालों ने इंटीमेट किया और अट्ठाईस सात दो हज़ार इक्कीस को आपको बता दिया गया था इसके एग्ज़ाम के बारे में तो जो भी नॉर्मल सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम देना कंपलसरी है तो यहाँ पर बोला आई सी आर ए के एग्ज़ाम में बैठना आपको पड़ेगा जो कि ए आई डब्ल्यू ए होता है ठीक है और बाकी यू जी और पी जी के लिए और पी एच डी के लिए भी ए आई सी की बात कर रहे जे आर एफ की करें और एग्जामेशन किसको को इस एग्ज़ाम में ना बैठने की आपको डायरेक्ट एडमिशन अगर आप अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंसिंग सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैठने की इस एग्ज़ाम को देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग में सीट लेना चाहते हो सेल्फ़ फ़ाइनेंसिंग में आपको पूरी की पूरी फीस देनी पड़ेगी नॉर्मल सीट में आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी आपको थोड़ी बहुत एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी बाकी फ़ीस गर्मेंट पे करती है और बाकी जो कि एम जनरल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एच शिमला का एग्ज़ाम देना पड़ता जिसमें आई आपको आई सॉरी आई का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाकी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पीएचडी बिजनेस मैनेजमेंट तो ए सी आर ए सी ए आर ए आई सी पी एच डी देर एडमिशन शैल वी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट क्वालिफाइंग डिग्री तो यहाँ पे डिग्री क्वालिफाइंग के बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी बाकी नहीं होगी तो यहाँ पे देखिए आप आगे इन्होंने बोला अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं देखिए तो इस पर आप कॉल कर सकते हो बाकी इन्होंने बोला ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द डिग्री प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ट्वेंटी वन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो देखिए इक्कीस अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो जाइए आप इनके वेबसाइट पर भरिए फॉर्म और बाकी बोला कि उन्होंने इन्होंने कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर टच में रहिएगा कोई भी अपडेट होगा तो ये जल्दी आपको बता देंगे बाकी मेल आई डी मेरा इन्होंने दी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं आप बाकी यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट की बात करूँ तो वाई एस पी यूनिवर्सिटी डॉट ए सी डॉट इन है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो तो ऑनलाइन जाइए आवेदन करिए जिन्होंने भी एडमिशन लेनी है तो यहाँ पर भी दी गई है देखिए वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वाई एस पी यूनिवर्सिटी डॉट ए सी डॉट इन तो इस पर आप आ जाइए और आवेदन करिए और एडमिशन लीजिए अगर आपको फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर या बी टेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेनी है या तो एम एस सी या डॉक्टरेट प्रोग्राम एम बी ए करनी है या तो एम बी ए अग्री बिजनेस तो जिन्होंने भी एम एस सी करनी है एम बी ए बिजनेस करनी है तो उनके लिए आई सी ए आर का अप्रूवल होना कंपलसरी है उनकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी के पास भी आई सी आर ए का अप्रूवल नहीं है जिनमें से एक तो मंडी में यूनिवर्सिटी है जो कि आपको बताएँ तो इतिहास की वीडियो पर चलिए लाइक और शेयर करना बोले आज मैं इतना ही धन्यवाद